चढ़ने वाला था घोड़ी और उठी अर्थी। बारात जाने के एक दिन पहले दूल्हे की हो गई हत्या। सुबह जानी थी बारात, देर रात मिली हत्या की खबर। धारदार हथियार से सिर में किया गया हमला। अज्ञात हमलावरों ने की निर्मम हत्या। शादी के अवसर पर घर में पसरा मातम। प्री क्षेत्र में जिम चलाता था मृतक दूल्हा। घटना के बाद तिगड़ी थाना की पुलिस जांच में जुटी। घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर देवली पहुंचे हमारे सहयोगी राकेश सोनी। जब परिवार वालों से मिले तो सच जानकर वो भी कुछ पलों के लिए ठिठक कर रह गए। रोते बिलखते परिवार वालों ने बताया कि जिस युवक की हत्या हुई उसकी शाम को बारात जाने वाली थी। शादी से ठीक एक दिन पहले की बीती रात को जिम से घर आते वक्त हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दूल्हे की निर्मम हत्या की खबर से साउथ दिल्ली के देवली एक्सटेंशन इलाके में सनसनी फैल गई है। ये मामला और हड़कंप मचा देने वाला तब हो गया जब ये इलाके की जनता को पता चला कि जिस युवक की हत्या हुई है उसकी सुबह बारात जाने वाली थी। इस घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया है। घर में काफी सारे मेहमान आए हुए थे, सभी इस शादी को लेकर काफी खुश थे क्योंकि शादी की रस्म पहले से ही चल रही थी, गाना बजाना भी चल रहा था। लेकिन अचानक इस घटना के बाद घर से लेकर पूरे इलाके में मातम पसर गया है। हर कोई घटना से सन्न है। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन तिगड़ी थाना की पुलिस कर रही है। मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है, वह अपने नजदीकी इलाके में ही जिम चलाता था। घटना की जानकारी देते हुए DCP साउथ अंकित चौहान ने बताया, यह घटना 12:30 बजे के आसपास की है। रात को 12:30 के आसपास पुलिस को PCR पर कॉल आया था जिसमें बताया गया कि देवली एक्सटेंशन के राजू पार्क में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान 29 साल के गौरव सिंघल के रूप में की गई। पुलिस ने बताया कि मृतक पर तेज धारदार हथियार के द्वारा पीछे से सिर पर हमला किया गया था। हमला इतना जोरदार था कि युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी मिलने पर परिवार वालों के द्वारा गौरव को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए एम्स मॉर्चरी में भेज दिया है। हमारे पास तो फोन आया कि उसका भतीजे का मर्डर होगा। जब हम यहाँ आए तो उस टाइम तक तो हॉस्पिटल ले जा चुके थे। बस उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस अपनी कार्रवाई की। अच्छा, उसके बाद जो है क्या करते थे, क्या नाम था उनका, क्या उम्र था? उम्र होगी लगभग 27-28 साल की। नाम क्या था? गौरव। अच्छा, क्या करते थे वो? जिम, अपने ही जिम चलाते थे। अच्छा, कोई आज शादी था? शादी आज की थी, उन्हीं की शादी। हाँ। कहाँ जाने वाली थी? ककरोला। ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये सब बात? जब हमें कुछ पता होता तो अब तक ये बात ही कुछ और होती। सिंगल जी क्या कहेंगे, क्या शादी था घर में और ऐसा क्या हो गया? नहीं, शादी था अभी 3 तारीख को, उस सगाई का प्रोग्राम था, आज बारात जानी थी। अब रात में जब 9-10 बजे के बाद नहीं मिला तो जब ढूंढा इधर उधर ढूंढा तो जब उसके बाद आके यहाँ पे देखा तो लाइट वाइट बंद थी सब। जब चेक किया, जब अंदर दरवाजा बंद था तो उसकी वहाँ से। परिवार कैसा था? परिवार ठीक था, 2 भाई हैं, एक वो बड़ा था, जो एक छोटा था, माँ बाप हैं। साजी भी ठीक थे, यहाँ पे भैंस बांधी हुई थी, यहीं पे रहते थे ज़्यादा का। अच्छा, वो भी कल से मिसिंग है, जब से रात से। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या हो गया कि एक मातम छा गया घर में? नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा था, मेहमान आए हुए थे सब, इसी बीच में हुआ। तो हम तो गांव में रहते हैं अंदर, वहाँ कॉल किया जब रात को 12 बजे आए। कितने बजे की घटना है ये? ऐसी है 10-11 बजे के करीब की घटना। हाँ, लेकिन जैसे परिवार के लोग आए तो ढूंढ में, उसके बाद 12 बजे के आसपास पता चला, जब फ़ोन किए हैं हमारे सबके पास, जब हम आए हैं सब। अच्छा, यानी तो शाम के समय ढोल बाजी चल रहे थे?
डीजे चल रहा था, डीजे वगैरह घर पे, यहाँ था, यहाँ यहाँ प्लाट है घर पीछे रोड पे, पर सब मेहमान वगैरह वहाँ थे, यहाँ तो कोई था नहीं। अभी नई बिल्डिंग बनी है, इसमें कोई रहता भी नहीं है, अभी अभी काम चल रहा था इसमें सब, अब इसमें कोई रहता भी नहीं, सुनसान था इधर।